तो आज आप राजा भैया पाल ब्लॉग पर देख रहे हैं जिस तरीके से महिला कांग्रेस उत्तर प्रदेश की प्रदेश उपाध्यक्ष और पाल बघेल समाज की संघर्षशील महिला के रूप में आज गाय बचाने के लिए महुआ में आंदोलन कर रही थी। और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये प्रभा पाल हैं जो कि उत्तर प्रदेश की प्रदेश उपाध्यक्ष और पाल बघेल समाज की संघर्षशील महिला नेत्री हैं प्रभा पाल, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है और सीधा ले चल रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश महोबा में, जेल में बंद हैं प्रभा पाल। देखिए, उन्होंने समाज के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए संदेश दिया है, आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभा पाल, कांग्रेस उत्तर प्रदेश। ये देखिए, आज महोबा में हमारी किसान और गाय बचाओ रैली चल रही है। हम लोग सुबह 11 बजे से यहाँ पुलिस लाइन में बंद है और आप देखिए लाइटें जल गई हैं, अंधेरा हो गया है। पूरे कांग्रेसी पुलिस प्रशासन का अत्याचार सह रहे हैं और पुलिस के साथ साथ योगी सरकार हमें इस चीज के लिए यहाँ बंद किए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे गाय बचाने के लिए, किसान के लिए नीचे रोड पे आए हैं, इसलिए हम लोगों को 11 बजे से बंद किया गया। ये देखिए, पूरा कांग्रेस परिवार हमारा खुली सर्दी में पेड़ों के नीचे आग जला के बैठने पे मजबूर है। योगी सरकार हम लोगों के साथ इतना अत्याचार क्यों कर रही है? क्योंकि हम किसानों के साथ हैं, हम गाय बचा रहे हैं, हम किसान बचा रहे हैं। ये अन्याय कांग्रेसियों के साथ हमेशा होता है। जब हमने मजदूरों की लड़ाई लड़ी थी तब भी हम रोड पे थे। ये देखिए, हमारे सारे कांग्रेस भाई बहने सब, ये देखिए लाइटें जल गई हैं, अंधेरा हो गया है, लेकिन हम लोग पुलिस लाइन के मैदान में महोबा में बैठे हुए हैं। पुलिस हमको रिहा नहीं कर रही है, ऊपर से अभी आदेश नहीं आया। ये है योगी जी की सरकार।